भारत की ओर से गलती से फायर हुई मिसाइल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने धमकी भरे लहजे में सवाल किए हैं। कहा है, दोनों देश परमाणु ताकत से लैस हैं, ऐसे में अगर हमने आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई की होती तो क्या होता। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत से कई तरह की मांग की है। पाकिस्तान का कहना है, भारत की ओर से फायर हुई मिसाइल कौन सी थी, क्या ये सेल्फ गाइडेड मिसाइल थी, क्या भारत रूटीन मेंटेनेंस के दौरान भी मिसाइल को फायर करता है। एक सवाल ये भी कि अगर मिसाइल एक्सीडेंटल फायर थी तो इसकी जानकारी भारत ने पहले क्यों नहीं दी। मिसाइल ने पाकिस्तान में 124 किलोमीटर का सफर किया था और ये 9 मार्च को फायर हुई थी। मिसाइल पर सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तियार ने सवाल उठाए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स कंटीन्यूअसली मॉनिटर्ड द कंप्लीट फ्लाइट पाथ ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन नियर सिरसा इन इंडिया टिल इट्स पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नियर मियाँ चन्नू। ये मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब स्थित शहर मियाँ चन्नू इलाके में गिरी। मिसाइल से जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव नहीं था। इसके बाद भारत ने गलती मानते हुए कहा था कि मिसाइल गलती से फायर हुई। मामले में सरकार और सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं।